हिमाचल के पुलिस थाना ज्वाली के अंतर्गत चलवाड़ा पंचायत में एक युवती की संदिग्ध अवस्था में मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। जी हां, मृतक की पहचान जसविंदर कौर निवासी चलवाड़ा के रूप में हुई है। जानकारी अनुसार गत रात्रि महिला की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिस पर जसविंदर कौर की बिगड़ती हालत को देखते हुए हरनोटा के एक निजी अस्पताल में ले गए, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही जसविंदर कौर ने दम तोड़ दिया। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ मायके वालों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि अक्सर ससुराल वाले जसविंदर कौर को तंग किया करते थे, जिसके चलते जसविंदर कौर ने आत्महत्या की है। वहीं पठानकोट से मायके पक्ष से आए सरपंच प्रकाश सिंह ने बताया कि जसविंदर कौर की शादी प्रदीप के साथ हुई थी। लगभग 2 महीने के बाद इनका झगड़ा शुरू हो गया था। जसविंदर कौर 10 दिन पहले यहाँ आई थी और उसने बताया कि मुझे सास जेठानी व पति मारते हैं और मुझे मारने की साजिश की जा रही है। जी हाँ, डीएसपी ज्वाली ओमकार सिंह ने पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस को हरनोटा के निजी अस्पताल से सूचना मिली। पुलिस त्वरित संज्ञान लेते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए टांडा भेज दिया गया है और मायके वालों की रिपोर्ट के मुताबिक केस दर्ज करके मृतक के पति प्रदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगामी कार्रवाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही अमल में लाई जाएगी। मेरी भेने मार दे, कुट दे, टॉर्चर कर दे, रोई रोई गलांदी, बोलदी, दाज दान सब कुछ मंगदे। मेरी भेने सास भी बड़ा मारती, जनानी बड़ा मारती, मेरे नाल गल भी नहीं कर दिंदे, आन भी नहीं दिंदे कुड़िये, वो भी गल परौना भी गल हट करने नहीं करता। मेरी भेने बड़ा कुटदे। साबका सरपंच जंदराई निचली पठानकोट, ये जो जसविंदर कौर जिंदा दी शादी 7 अप्रैल पिंड चलवाड़ा प्रदीप सिंह दे नाल हुई सी, जिदा बचोला भी मैं सी और उस विआह दे विच खर्चा भी मैं अपनी जेब दे विच कीता सी बच्चे देख के। उस वेले दी कोई मंग नहीं सी, कहिंदे सानू कुड़ी चाहीदी है ते अपना घर बसाउण वास्ते। उस तों तकरीबन 2 महीने बाद इन्हां दा लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। आप बच्चिआं ने दस्सिआ कि बच्चे गए आ, बच्चे नूं धक्के मारे आ और इन्हां सामने कुट्टिआ गया। और दूसरा जिहड़ा उस पासे बचोला सी मेरा साढ़ू, उस पिंड दा गुलजार सिंह, उन्होंने बच्चों ये भी कहा कि कोई भी गल होवे असी मारीए कुटीए, तुसी इस नाल गल नहीं करनी। फिर उस तो बाद फिर झगड़ा होया। 16 जून मैं अपने नाल एक सिंह होर लैके गया, उत्थे बह के अंदर गल की, कहिंदे साडा रौला ना पाओ, साडी बेइज्जती ना करो, असी अगे तो ना करांगे। उस तो बाद फिर हुण पिछले महीने विच कुड़ी ने रिपोर्ट दित्ती सी कि मेरे कोलों तलाक मंगदे आ कि मुंडे ने बाहर जाना, तू फर्जी तलाक दे दे, कहन तो भाव कि धोखे नाल तलाक ले लीए तो इनू घरों कढ़ दीए। हुण फिर कुड़ी पिछे आई सी, अज तो 8 दिन पहला मेरे नाल गल हुई है, फिर भी कह रही है कि मैनू जठाणी भी कुटदी है और मेरी सस भी मैनू कुटदी है, ये तिन्ने ने मैनू मारन की साजिश बनाई हुई है। ये अज तो 10 दिन पहला, ये असी सोचा भी कई बार परिवारों में माड़े मोटे झगड़े होंगे है, पर उन्होंने ये सच करके दस दिता। असी ये प्रशासन अगे बेनती करते हाँ कि ये इन्हां बच्चों के ना माँ है ना बाप है, कि इन्हां नूं इंसाफ दवाया जो जो सच है और जिहड़े अपराधी ने उन्हां ते कार्रवाई की जाए। सत श्री अकाल जी, मैं सुलेंद्र सिंह साबी मैंबर पंचायत चंद्राई निचली। जिहड़ी बेटी की मैरिज होएगी मेरे पंचायत दे ने, अते इन्हां ने लड़की दे नाल मारकुट की है, उन्हां नूं मार के ते धक्के दे नाल उन्हूं दवाई खवा के एक प्राइवेट होस्पिटल दे विच लै के गए ने। उत्थों डॉक्टर साहब ने अपना पुलिस प्रशासन नूं इतलाह की है अते परिवार नूं, इस परिवार ने ना तो पुलिस प्रशासन नूं इतलाह की ना तो कुड़ी दे पेके परिवार नूं, इन्हां ने धक्के दे नाल उहदा ट्रीटमेंट करके उन्हूं मार के ते जलाउण दी कोशिश की है। साडी हिमाचल प्रशासन अगे इहो ही बेनती है कि अनाथ बच्चे ने इन्हां नूं इन्हां दा बनदा हक जिहड़ा इंसाफ मिलना चाहिए, जिहड़ा भी दोषी हैगा उहदी बनदी कार्रवाई की जाए। बस इन्नी बेनती करदा जी। जसविंदर कौर जो हमारे एरिए के गांव चलाड़ा में शादी हुई है प्रदीप के साथ, जिसकी 6 महीने पहले शादी हुई है, जो हॉस्पिटल अशोका हॉस्पिटल हरनोटा में ले गए थे, जहां से इसे रेफर कर दिया गया, बाद में पता चला कि रास्ते में उसकी मौत हो गई थी, जिस पर जो है मृतका की बहन प्रियंका का बयान कलमबंद करके उसके पति व दिगर परिवार के सदस्यों के खिलाफ धारा 306 IPC का अपराध दर्ज करके तफ्तीश अमल में लाई जा रही है। वह इसके पति को
अरेस्ट करके आज न्यायालय में पेश करके 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है। तफ्तीश हर पहलू में जारी है। वह मृतिका का पोस्टमार्टम अभी टांडा हॉस्पिटल में डॉक्टर की टीम द्वारा जो है करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जो है मृतका का शरीर जो है उनके वारसान को सौंप दिया जाएगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।